हैदराबाद में निकाय चुनाव से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बड़ी घोषणा की है। मुफ्त बिजली पानी के अलावा टैक्स में भी छूट देने का ऐलान किया है। सीएम ने खुद बताया कि इस ऐलान से पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की थी। केजरीवाल मॉडल अपनाने का चंद्रशेखर का दांव आगामी चुनावों में कितना काम करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे कोरोना संकट में मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि हैदराबाद की आवासीय कॉलोनीज में प्रतिमा 20,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा। हेयर कटिंग सैलॉन्स और लॉन्ड्री स्टोर्स का बिजली बिल नहीं लिया जाएगा। मूवी थिएटरों को भी तब तक मुफ्त बिजली मिलेगी जब तक उनका बिजनेस फिर से पहले की तरह नहीं चलने लगता। इंडिया टुडे के आशीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के तहत स्थापित सभी दुकानों को फ्री बिजली मिलेगी, उन्हें बिजली बिल नहीं जमा करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में इस फैसले को राज्य की सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा। इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों के 6 महीने का टैक्स भी माफ करने की घोषणा की गई है। पार्टी के घोषणा पत्र को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोगों से पूछा कि वे शांतिपूर्ण हैदराबाद चाहते हैं या कर्फ्यू वाला हैदराबाद चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हैदराबाद चाहते हैं या फिर सबके लिए हैदराबाद चाहते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि GHMC में 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। मतगणना का काम 4 दिसंबर को होगा, उसी दिन नतीजे घोषित भी कर दिए जाएंगे। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों की तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 20,000 लीटर प्रति महीने तक फ्री पानी कर रखा है। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। अब इसी तरह का फैसला हैदराबाद नगर पालिका के लिए लिया गया है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।